दोस्तों आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो OCLC के बारे में है। OCLC की फुल फॉर्म है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। OCLC एस्टैब्लिश कब हुई थी, कब बना OCLC? जुलाई 1967 को। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पहला भी इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, और ये डेट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये कब बना, जुलाई 1967 को। और इसे जब ये बना तो उस वक़्त इसको कहते थे ओहियो कॉलेज, याद रखना ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर। क्या कहते थे उस वक़्त इसको? ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर। लेकिन फिर इसका नाम चेंज हो गया और इसका नाम रखा गया ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ठीक, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर डुबलिन ओहियो USA में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी आप याद रखना। आज मतलब इसका करंट प्रेसिडेंट OCLC का कौन है? करंट प्रेसिडेंट OCLC का है स्किप पिचार्ड। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्किप पिचार्ड करंट प्रेसिडेंट है OCLC का, याद रखना। ठीक, OCLC एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या नॉन प्रॉफिट, यानी कि ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, नफ़ा के लिए ये काम नहीं करता OCLC, ये भी आप याद रखना। ठीक, जो मैंने पहले आपको बताया कि OCLC का पहला नाम ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर था। अच्छा, OCLC में 16 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 16 मेंबर्स OCLC में होते हैं। OCLC के बोर्ड में 16 मेंबर्स होते हैं, और ये 16 मेंबर जो होते हैं इनको इलेक्ट कौन करता है? इनको इलेक्ट करता है रीजनल काउंसिल। कौन इनको इलेक्ट करता है? रीजनल काउंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप नोट करना। OCLC जो है ये दुनिया के 25,900 लाइब्रेरीज़ को आपस में, दुनिया के 25,900 लाइब्रेरीज़, आर्चीव्स और म्यूजियम्स जो 170 कंट्रीज़ में मौजूद है, इनको आपस में OCLC कनेक्ट करवाता है। यानी कि OCLC दुनिया के 25,900 लाइब्रेरीज़ आर्चीव्स और म्यूजियम्स को 170 कंट्रीज़ में आपस कनेक्ट करवाता है। ठीक, अच्छा, इसमें जो 9 मेंबर्स होते हैं, इसमें जो 9 ट्रस्टी मेंबर्स OCLC के होते हैं, उनको बोर्ड खुद चुनता है। बोर्ड उनको खुद चुनता है, याद रखना, ये भी आप याद रखना। OCLC में कुल 7 कमिटीज़ काम करती है। कितनी कमिटीज़ करती है काम? 7 कमिटीज़ OCLC में काम करती है, 7 मुख्तलिफ कमिटीज़ OCLC में काम करती है। ठीक, OCLC ने वर्ल्ड कैट सर्विस स्टार्ट किया। ये क्वेश्चन में आ जाता है कि वर्ल्ड कैट सर्विस किसने स्टार्ट किया, या इंडिया कैट सर्विस किसने स्टार्ट किया, या वर्ल्ड ओपन कैट सर्विस किसने स्टार्ट किया, ये सब OCLC ने स्टार्ट किया। यानी OCLC ने वर्ल्ड कैट सर्विस भी स्टार्ट किया, ओपन वर्ल्ड कैट सर्विस स्टार्ट किया 2003 में, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है 2003 में, और इसने इंडिया कैट सर्विस भी स्टार्ट किया। 1971 में इसने स्टार्ट किया ऑनलाइन सर्विस बाय OCLC, यानी कि इसने ऑनलाइन सर्विस स्टार्ट की OCLC ने कब? 1971 में, ये भी आप याद रखना। वर्ल्ड कैट वेब बेस्ड सर्च फैसिलिटी कब बनाई गई? OCLC ने वर्ल्ड कैट वेब बेस्ड सर्च फैसिलिटी कब बनाई? 2006 में। 2003 में क्या बनाया? ओपन वर्ल्ड कैट। 2006 में वर्ल्ड कैट वेब बेस्ड सर्च फैसिलिटी बनाई। ठीक, वर्ल्ड कैट हमें बताता है, वर्ल्ड कैट हमें बताता है कि फर्स्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट, क्या फर्स्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट OCLC और नेशनल लाइब्रेरी इंटरनेशनल एग्रीमेंट, फर्स्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हुआ किसके दरमियान? OCLC के दरमियान और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड के दरमियान 1978 में। कौन? 1978 में फर्स्ट एग्रीमेंट साइन हुआ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड के दरमियान और OCLC के दरमियान। USA ने फर्स्ट आउटसाइड लाइब्रेरी 1985 में
स्टार्ट की जिसमें इसने ओ सी एल सी की सर्विस का इस्तेमाल किया। यानी कि 1985 में यूएसए के बाहर जो लाइब्रेरी यूएसए ही ने स्टार्ट की उसमें उन्होंने यही ओ सी एल सी की सर्विस इस्तेमाल की, ठीक, ऑनलाइन सर्विस इस्तेमाल की। DDC की जो प्रेजेंट पब्लिकेशन होती है ना, ये OCLC ही ने स्टार्ट की। कब से DDC की जो प्रेजेंट पब्लिकेशन है ये OCLC ने ही स्टार्ट की थी 1988 में। 1988 से OCLC ही ने स्टार्ट की है, ये भी डेट आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। OCLC वर्ल्ड मेन लाइब्रेरी नेटवर्क, OCLC दुनिया का मेन लाइब्रेरी नेटवर्क माना जाता है। वर्ल्ड बिगेस्ट यूनियन कैटलॉग जिसको वर्ल्ड कैट कहते हैं, वर्ल्ड बिगेस्ट यूनियन कैटलॉग जो जिसको हम वर्ल्ड कैट कहते हैं, ये भी OCLC के अंडर ही आता है। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे OCLC को। OCLC की फुल फॉर्म क्या है? ऑनलाइन कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर। बना कब? 6 जुलाई 1967 को। पहले इसको क्या कहते थे? ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर। इसका फाउंडर कौन है? फ्रेड किलगोर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? डुबलिन ओहियो यूएसए में। इसका करंट प्रेसिडेंट कौन है? स्किप पिचार्ड। OCLC एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आप याद रखना। OCLC का ओरिजिनल नेम जो मैंने पहले आपको बताया ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर है। OCLC में 16 बोर्ड मेंबर्स होते हैं और इन बोर्ड मेंबर्स को रीजनल काउंसिल इलेक्ट करता है। OCLC 25,900 लाइब्रेरीज आर्चीव और म्यूजियम्स को 170 कंट्रीज़ में आपस में कनेक्ट कराता है OCLC ही, ठीक। OCLC में जो मेंबर 9 ट्रस्टी मेंबर्स होते हैं उनको बोर्ड खुद ही चुनता है। OCLC में 6 कमिटी मेंबर्स होते हैं, 6 कमिटी वर्किंग होती है OCLC में, यानी कि 7 कमिटीज OCLC में वर्क करती है। OCLC ने ही वर्ल्ड कैट सर्विस स्टार्ट की जो दुनिया का सबसे बड़ा कैटलॉग माना जाता है, वो OCLC ही ने स्टार्ट किया। 1971 में OCLC ने स्टार्ट की ऑनलाइन सर्विस, ठीक। OCLC ने ओपन वर्ल्ड कैट बनाया। कब बनाया ओपन वर्ल्ड कैट? 2003 में। वर्ल्ड कैट वेब बेस्ड सर्च फैसिलिटी कब बनाई OCLC ने? 2006 में। OCLC ने हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कैट हमें बताता है कि OCLC ने फर्स्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किया 1978 में। कब किया? 1978 में साइन किया फर्स्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट। किसके दरमियान ये साइन हुआ? ये एग्रीमेंट साइन हुआ नीदरलैंड के दरमियान और OCLC के दरमियान, ये भी आप याद रखना। 1985 में यहाँ पे लिखा है 1985 में ही यूएसए ने आउटसाइड लाइब्रेरी बनाई जिसमें इसने OCLC की सर्विस इस्तेमाल की, ठीक। और फिर लास्ट में कि DDC की पब्लिकेशन, ऑनलाइन पब्लिकेशन OCLC ने 1988 से स्टार्ट की, ये भी आप याद रखना। और ये भी याद रखना कि OCLC दुनिया का मेन लाइब्रेरी नेटवर्क इस वक्त माना जाता है और ये बिगेस्ट यूनियन कैटलॉग OCLC ही है।